हेलो गाइस, वेलकम टू एमटी राइडर प्रशून यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाऊंगा फ्रेम स्लाइडर लगा के। हालांकि मेरी ये देखिए यामा MT-15 है और इस पर फ्रेम स्लाइडर ऑलरेडी यहाँ पे क्रैश गार्ड पे लगा हुआ है, ये साथ में मिला था मुझे। बट लोगों की रिक्वायर्ड थी कि अलग से अगर फ्रेम स्लाइडर लगाएं तो किस तरीके से लगा सकते हैं, कितने का आता है, कहाँ पे ये फिट होगा हमारा। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास फ्रेम स्लाइडर पड़े हुए हैं और ये ऑफलाइन मार्केट से ख़रीदे थे। ये सिंगल है 500 रुपीज़ का, पेयर आएगा इसका 1000 रुपीज़ का और कहीं पे सस्ता भी हो सकता है दिल्ली वगैरह में और महंगा भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो इस बाइक में लगा हुआ है फ्रेम स्लाइडर और पूरा हमारा क्रैश गार्ड, तो इस बाइक में तो लगाने वाला हूँ नहीं मैं। इसको लगाऊंगा मैं अपने यामा R15 पे और सेम प्रोसेस होगा, सेम जगह पे लगेगा, सेम ही स्ट्रक्चर है दोनों बाइक का। तो अगर आप इसमें लगाना चाहें तो लगा सकते हैं इस वीडियो को देख करके, बट मैं बता दूंगा यार इसमें कहाँ पे लगाना है और उसमें भी कहाँ पे लगाना है। तो आइए एक बार पास से दिखाते हैं किस जगह पे इसको हमको फिट करना है। तो ये देखिए ये वाला जो बोल्ट हमको दिख रहा है, ये वाला, इसको पास से ज़रा दिखा देते हैं। ये वाला जो बोल्ट है इसमें हमारा ये फ्रेम स्लाइडर सीधे लगता है और ये कितने पार्ट में आता है, कैसे लगता है, क्या करना पड़ेगा, इस सब मैं बताऊँगा पूरा इस वीडियो में आप सभी को। ये देख लीजिए, पहले मैं बोल्ट दिखा, सेम ही बोल्ट R15 में सेम जगह पे आप सभी को मिलेगा, बट वहाँ पे थोड़ा कवर होता है, लग जाता है फिलहाल आराम से, तो वहीं पे लगेगा फ्रेम स्लाइडर उसमें भी। तो उसका पहले मैं इधर का, ये देखिए यहाँ पे खोल रहे हैं भाई अपने, इसका ये कवर आपको हटाना पड़ेगा, ये वाला जो पार्ट है इसको हटाना पड़ेगा। और अब मैं दिखा देना चाहता हूँ फ्रेम स्लाइडर अपना कि किस तरीके से आता है। ये देखिए खोला है मैंने, तो इसमें ये कुछ इस तरीके से अलग अलग हो जाता है ये पार्ट पूरा इसका। तो ये देखिए यहाँ से भी ये खुलेगा, ये वाली आपको एलंकी की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसको खोलना होगा। इसके बाद एक मोटी एलंकी वाला ही ये बोल्ट है पूरा और ये डायरेक्टली लग जाएगा हमारा, जो वाला बोल्ट दिखाया था उसको खोल करके। तो लगेगा कैसे वो भी मैं पूरा बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पे इसको ऐसे पड़ेगा, उसके बाद में ये वाला इस तरीके से कुछ आएगा और उसके बाद में हमारा यहाँ पर देखिए चूड़ियाँ हैं, तो ये भी जो है इस पर आ करके इस तरीके से चूड़ियाँ टाइट करके आप जो है इस तरीके से लगा सकते हैं। उसके बाद में ये गिटक होगी और इसका ये यानी होता है इसका लेंथ बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा पूरा फिट हो जाएगा और फिट होने के बाद इस तरीके से दिखने लगेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा खोल लेता हूँ और दिखाता हूँ कि ये कौन सा बोल्ट लगा हुआ है और कितने नंबर का है। तो दोस्तों ये एलेंकी बोल्ट है हमारा, इसमें 5 नंबर की एलेंकी हमारी लगेगी। और उसके बाद में ये देखिए इसको खोलने के बाद में ये कुछ इस तरीके से आपका बाहर आ जाएगा, ये प्लेट है जी। उसके बाद में ये हमारा आ जाएगा बोल्ट, ये देख लीजिए कुछ ये बोल्ट इस तरीके से बाहर आ जाएगा। और इसका भी मैं साइज़ आप सभी को बता देता हूँ कितना है। तो दोस्तों ये देख लीजिए यहाँ पे हमारा ये 8 नंबर की एलेंकी से टाइट होगा ये जो मेन बोल्ट होगा। तो ये सब कुछ रख लेता हूँ मैं साइड में, अब खोलता हूँ अपना बोल्ट। वो बोल्ट जो है यहाँ पे देख लीजिए, इसका साइज़ मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे R15 में प्लेस्ड है, ये भी मैं दिखा देता हूँ आप सभी को। तो दोस्तों ये देख लीजिए ये यहाँ पे प्लेस्ड है और इसका साइज़ है 14 नंबर। बट दोस्तों इसमें आपको इसी टाइप की जो गोटी टामी, हैवी ड्यूटी गोटी टामी होंगी, उन्हीं से आपको इनको खोलना है, साथ में एक्सटेंडर की भी ज़रूरत होगी, अगर एक्सटेंडर नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा खोलना। तो इसको खोलते हैं, अगर सोचेंगे कि छोटी से खुल तो जाता है बट बहुत ही मेहनत लगती है और बैंड भी हो सकती है आपकी वो तो, और साथ में ये पूरा आपका फेयरिंग इधर की निकालनी होगी तब भी ये यहाँ पर जाके लग पाएगा। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे पूरा खुल चुका है, अगर आप नहीं भी खोलेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा करके खुल जाता है, हालांकि उधर मैंने ट्राई करके देखा अभी। और अभी देख लीजिए पूरा R15 का एक बार लुक कैसा खुल के आता है। तो अभी ये देख लेता है कि वो लगता है कि नहीं इसमें। तो ये बोल्ट देख लीजिए, ये इस साइज़ का था, काफ़ी हैवी लगता है। और इसका फ्रेम स्लाइडर का भी दिखा देता हूँ, ये देखिए सेम ही साइज़ है तभी लग रहा है इसमें, और ये कुछ इस तरीके से हमारा पूरा फिट हो जाएगा। और दोस्तों बात करें कि कहते हैं इंजन पे इम्पैक्ट आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, हल्का फुल्का तो आएगा ही बट पूरा जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी पत्ती लगी हुई है ऊपर, ये चेसी से पूरी बिल्ड है। एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए, और सेम ही MT में भी लगा हुआ है। तो मेरे हिसाब से आएगा बट इतना, लेकिन एक दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पर सपोर्ट ना मिले, जैसे ये है यहाँ पर सपोर्ट ना मिले और ये बोल्ट हमारा टाइट ना हो, तो जब इम्पैक्ट आएगा तो सीधा इंजन पे ही आएगा। बट अगर यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, ये बोल्ट टाइट है, तो यहाँ का जो इम्पैक्ट है ये वाला, और यहाँ से पूरा हमारा इस पे आएगा, ना कि पूरा इंजन पे जाएगा। समझ सकते हैं अगर समझने वाले होंगे आप तो, क्या मैं समझाना चाहता हूँ। तो अभी क्या है, अभी लगाते हैं फ्रेम स्लाइडर और दिखाते हैं किस तरीके से इसको फिट करते हैं। तो उठाइए भाई पूरा।
तो पहले इसको मैं टाइट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ये देखिए टाइट हो चुका है हमारा, और यहाँ पे ये इस तरीके से आता है, और ये जो है हमारा इस तरीके से यहाँ पे लग जाता है। तो अभी रह गया हमारा ये, तो इसको मैं डाल लेता हूँ अपना, देखिए फिर से खुल गया, इसको मैं इस तरीके से डाल लेता हूँ, और ये वाला यहाँ पे इस तरीके से, और फिर इसको मैं डाल लेता हूँ इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से आएगा ये। और अभी क्या है अपने ये जो शू है हमारा, इसको मैं लगा लेता हूँ, थोड़ा टाइट कर दिया, इससे ज़्यादा हो रहा नहीं है, अंदर नहीं जा रहा है। और इतना हमारा भी देखिए ये जो गैप मैं बोल रहा था, अगर इस तरीके से ढीला रहा और इसमें क्रैश हुआ तब तो 100% इंजन पे इम्पैक्ट होगा, बट अगर यहाँ पे लगेगा कोई कायदे से टाइट हो जाएगा तो इंजन पे इम्पैक्ट नहीं आएगा और बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो अभी क्या है, इससे बड़े साइज़ का एक बोल्ट मंगा रहा हूँ और इसको मैं बीच में यहाँ पे डाल दूंगा, और फिर जो है इसको मैं टाइट कर दूंगा अच्छे से, टाइट हमारा हो जाएगा। इसको इस तरीके से मैं लगा दूंगा, काफ़ी अच्छा लगेगा, रेड कलर की बाइक है, रेड कलर पे, तो इसी तरीके से आप भी लगा सकते हैं इसको। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये हमने जब अपना बोल्ट को फिक्स कर दिया तो ये आराम से लग गया है हमारा, और अब इसको टाइट करेंगे। बिना इसके लगाए हमारा टाइट नहीं हो रहा था, ये देखिए कुछ इस तरीके से अलग से बोल्ट लगाया, क्योंकि ये जो इसमें बोल्ट हमारा लगा हुआ था इस तरीके से देख लीजिए, ये जो लगा हुआ था इसका भी साइज़ इतना ही है जितना बोल्ट लगा के किया, तो जैसे लगाया वो ऑलरेडी टाइट हो गया। अब जब ये नहीं लग रहा था तो ये टाइट नहीं हो रहा था क्योंकि ये ज़्यादा लंबा पड़ रहा था हमारा, तो अभी इसको मंगाया फिर लगाया और अब ईज़िली ये जो हमारा टाइट हो जाएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से अपना एलंकी से पूरा इसको टाइट कर देंगे। तो दोस्तों देखिए फाइनली ये बिल्कुल लग चुका है, काफ़ी स्टर्डी है, और इधर साइड का भी मैं दिखा देता हूँ, पैनल खोलना नहीं पड़ेगा आपको, लग जाएगा। बट दिक्कत क्या है, ये हल्का सा इस पर टच हो रहा है यहाँ पे, तो ये इसमें थोड़ी सी दिक्कत मुझे लग रही है। हालांकि अगर आप लगाएंगे पूरा टाइट हो जाएगा तो हल्का सा लगेगा इस पर, बाकी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर इसको एम्प्टी में लगाएंगे तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, उसमें तो सीधा पैनल यानी है ही नहीं कुछ ऐसा, तो ईज़िली लग जाएगा उसमें, ये देखिए। तो दोस्तों देखिए काफ़ी अच्छे से लग चुका है, और इसमें लगनी है बस यहाँ पे कैप, और उसके बाद में ये बिल्कुल फिक्स है हमारा, ये कुछ इस तरीके से कैप आती है, उसके बाद में लगा करके यहाँ पे एक बोल्ट लग जाएगा। और देख लीजिए पूरा बाइक आप इससे हिला सकते हैं अपनी, ये देखिए पूरा बाइक ही मैं इससे हिला ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी स्टर्डी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखा, आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को पास में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरीके के वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट आपका आसानी से पहुँच सकें। धन्यवाद।